सभी आदरणीय ब्रजों, अनुजों, बहनों और भाई, मैंने दरअसल अपनी मूर्खता और भेद्यता व्यक्त करता हूँ कि प्रेमव्रत जी को मैंने देर से जाना और इनको जाना आकार का जो 53 मान के इन्होंने निकाला महात्मा गांधी पर, गांधी को लिखा, उसमें इन्होंने 13 प्रश्नों का संपादित लिखा है और 2019 के चुनाव के बाद की बात है। इनके गद्य को पढ़कर मुझे लगा ये तो दरअसल गद्य में भी बहुत जबरदस्त सृजन करती है, कहानी नहीं है वो, लेकिन उस संपादकीय की सृजनात्मकता अद्भुत है। पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान का जो धर्म वाला रूप है और हिंदुस्तान का जो धर्मनिरपेक्ष वाला रूप है, इतिहास की दृष्टि किस तरह से चीजों को सृजनात्मक बनाती है, ये आपके उस संपादकीय से मैंने जाना। दूसरा, उसमें राव साहब कस्बे एक दलित मार्क्सवादी है महाराष्ट्र मराठी, उनका बड़ा लंबा इंटरव्यू है महात्मा गांधी के बारे में और अंबेडकर के रिश्तों के बारे में, बड़ा आंखें खोल देने वाला, इतना संग्रहणीय अंक है। मुझे मैंने आपको लिखा भी, मैंने कहा कहीं फेसबुक पे भी लिखा, मैसेज भी लिखा कि आप तो पत्रिका भी बिल्कुल अलग तरह की निकालते हैं, ऐसी पत्रिका ऐसी दृष्टि संपादकों के पास नहीं है, ये सृजनात्मक दृष्टि है। इतिहास जब शामिल हो जाता है किसी चीज में और इतिहास के साथ जब दर्शन शामिल हो जाता है तो आपकी सृजनात्मकता बहुत बढ़ जाती है। सृजनात्मकता थोड़ी बहुत तो सब में होती है, ऐसा नहीं है। यहां हमारे मित्रों ने 5 वक्तव्य यहां हुए हैं, आचार्य जी का वक्तव्य तो पूरी सैद्धांतिकी है सृजनात्मकता, उसमें दर्शन भी था, इतिहास भी था, उनके अपने अनुभव थे और उनकी अपनी जीवन दृष्टि थी अपनी। बाद में जो 4 वक्तव्य यहां हुए वो व्यावहारिकी थी एक तरह से, हर कवि ने अपनी प्रक्रिया को बताया कि मेरी क्या प्रक्रिया, तो सृजनात्मकता तो सब में थी, लेकिन हमारा मतलब है सृजनात्मकता का क्षेत्र, केवल सृजनात्मकता नहीं, क्षितिज एक बहुत बड़ा बिंब है, क्षितिज कोई सामान्य बिंब नहीं है, जो हमें प्राप्त ना हो सके वहां पहुंचना, वहां पहुंचने का प्रयास करना, जो हमारे पास नहीं है, जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है, जो चीज हम नहीं कह पाए हैं उसको कहने की कोशिश करना, वो कहते हैं अगर हमसे आगे चला जाता है, ये दृष्टि आपके पास रखते है तो आप सृजन में कुछ नया जोड़ते हैं। रस गंगाधर कार जगन्नाथ ने तो यही कहा साहित्य की परिभाषा दी कि जो नई चीज जोड़ देता है वो सृजनात्मक, जो पहले किसी ने नहीं कहा है वो आपने कह दिया है यही सृजनात्मक। क्षण क्षण यदि नवता मुपैति तदैव रूपम रमणीयता है, तो आप दो तरह से सृजनात्मकता पैदा करते हैं, एक तो प्रच्छन्न जो है उसका उद्घाटन करते हैं, जो छुपा हुआ है पूरी कथाओं में छुपा हुआ है उसका उद्घाटन करते हैं। वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी तुलसीदास को इसकी कहने में थी कि उन्होंने रामायण लिखी, उनसे पहले रघुवंश नाम का एक पूरा रामचरित काव्य लिख चुके थे कालिदास वाल्मीकि के बाद, और जैन कवियों ने पहुंचर्य के नाम से प्राकृत और अपभ्रंश में राम की कविता लिखी, लेकिन तुलसीदास ने दूसरों से लेकर भी ऐसा कुछ पैदा कर दिया कि सारी रामायणों का जो हिंदुस्तान में जो प्रचलन है, मैं समझता हूं तुलसीदास के आगे सब ठीक है और आगे भी राम के चरित्र पर उस तरह की कविता बहुत कम लिख पाए, नई चीजें तो आई। तो सृजनात्मकता दरअसल काल से जुड़ी हुई है, समय से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई, देश और काल की अवज्ञा करके आप सृजनात्मकता को
उतनी गहराई, उतनी ऊंचाई, उतनी उदारता प्रदान नहीं कर सकती। कालिदास ने इसके लिए कहा है कि कलाकार शिथिल समाधि हो जाते हैं, जब कलाकार शिथिल समाधि हो जाते हैं तो फिर रचनात्मकता की बड़ी हानि होती है, फिर रचनात्मकता कमजोर पड़ जाती है। और उन्होंने उदाहरण दिया मालविका के मित्र अपने नाटक में, मालविका का चित्रकार ने चित्र बनाया और अग्नि मित्र ने उस चित्र को जब देखा तो उसने कहा भाई मालविका तो ये तो प्रतिश्रुति कर दी, जो वो नहीं है वो इसमें बना दिया है। राजा उसको देखता जा रहा है, कहता जा रहा है कि ये तो कुछ ज्यादा हो गई बात, अत्युक्ति अलंकार में जैसे होता है। लेकिन फिर से जब उसने मालविका को देखा तो उसने परिणाम निकाला कि ये रचनात्मकता की के क्षण में ये जो चित्रकार है इसी दिन समाधि हो गया। अरे इससे तो बहुत सुंदर है मालविका, इस चित्र में कुछ भी नहीं है, इस चित्र से बहुत सुंदर है। इसका मतलब चित्रकार उस सौंदर्य को नहीं पकड़ पाया। तो ये शिथिल समाधि होने की जो रचना प्रक्रिया है, जो सृजनात्मकता में कभी सहायक बनती है और सहायक के बाधक बनती है, तो कवि को किस तरह से समाधि अवस्था में जाना पड़ता है, तब वो उस गहराई तक पहुंच पाता है। कालिदास का जो सौंदर्य विवेक चित्रण है वो अद्भुत है। वैसा मैं समझता हूं सौंदर्य चित्रण तो हिंदुस्तान में कोई दूसरा कभी कालिदास जैसा नहीं, उन्होंने जिस तरह सौंदर्य चित्रण किए हैं, चाहे शकुंतला का किया है और इवन पुरुषों के दिलीप का, रघुवंश में आप देख लीजिए दिलीप का जो सौंदर्य वर्णन, तो ये सृजनात्मकता क्यों हम कह देते हैं कई बार वो राजा महाराजाओं के दरबारों में रहने वाले थे, वो गुप्त काल के कवि थे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, इसलिए जो राजसी वैभव है वो उसमें आया है। लेकिन आप देखिए एक सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है वो दरबारों में रहते हैं, वो रीतिकाल जैसा कवि नहीं है, रीतिकाल के दरबारी कवि बिल्कुल अलग है और कालिदास का दरबारीपन जो है वो दरबार से दूर रहता है, दरबार में रहते हुए भी दरबार से दूर रहना ये कालिदास को बहुत आता है। तो वो जब सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो सौंदर्य का वर्णन करना ही सृजनात्मकता है। अगर आप सौंदर्य की सौंदर्य का चित्रण आपको नहीं आता, सौंदर्य की परख आपको नहीं है कि जिंदगी में सुंदर क्या है, साहित्य सुंदर का ही सृजन है, सारी कविता सारी कला सुंदर का सृजन है। सुंदर का मतलब यहां कलावाद नहीं है, कार्ल मार्क्स ने भी अगर वो सिद्धांत निकाला तो इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए निकाला। ये दुनिया पहले बड़ी क्रूर उनको लगी कि दुनिया में विषमता है, इस दुनिया में कुछ लोग मालिक बने हुए हैं और कुछ लोग उनकी प्रजा बनी, ज्यादातर प्रजा बनी और वो मनमानी करते हैं, पूंजीपति अपने अनुसार चीजों को गुलाम बनाकर लोगों को मजदूर बनाकर उनसे एक सरप्लस वैल्यू क्रिएट करता है, उस सरप्लस वैल्यू से ये दुनिया क्रूर हो जाती है, ये बदसूरत हो जाती है। तो दार्शनिक भी बदसूरत दुनिया को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ये उनकी रचना। हम कई बार समझते हैं केवल कवि रचनात्मक होता है, ऐसा नहीं है, एक सामान्य मजदूर भी कई बार रचनात्मक होता है। जब कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, ज्ञान से काम करता है, तपस्या से काम करता है, दूसरों के सहयोग के भाव से काम करता है तो वो सुंदर होता है, ये उसके भीतर एक सौंदर्य का सृजन है। इसलिए मुक्ति बोध ने अपने निबंध में कलात्मक अनुभव नाम का एक लंबा निबंध लिखा कि हम जब सौंदर्य की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारा जो मनोमय जीवन है वो मनोमय जीवन बहुत आम आता है। वो कहते हैं कि घरों में महिलाएं अपने बच्चों को नीच समझे जाने वाली शूद्र जात के बच्चों के साथ खेलने नहीं देती है, बार बार ये कहती है ये बच्चे के साथ मत खेल, लेकिन तहसीलदार का बच्चा जब आता है कहते हैं हाँ इसके साथ खेल।
करते हैं। ये भेदभाव हमारी जिंदगी में होता है और इस सबको हम लोग देखते रहते अनुभव करते। उन्होंने कई उदाहरण दिए, इससे हमारा गुरु में जीवन तैयार होता है। यहीं से रचनात्मकता शुरू हो जाती है, यहीं से सृजनात्मकता शुरू हो जाती है। हम सामान्य तरीके समझते हैं कि कवि जब बड़ा हो जाता है तभी वो रचनात्मक होता है, तभी वो सृजन की प्रक्रिया से गुजरता है। वो कहते हैं सृजन की प्रक्रिया तो आप बचपन से ही, अगर कोई कवि आगे होना है तो उसके मनोभाव मनोमय उसका जो जीवन है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है और उस मनोमय जीवन में आपको संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई बेईमानी है, आप चीजों को बिना मेहनत के प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुद्धबोध कहते हैं वहां आपका कलात्मक अनुभव खंडित हो जाता है। ऐसे कलात्मक अनुभव रचनाकारों के खंडित होते रहते हैं। यही कारण है कि जब प्रेमचंद 1936 में भाषण देते हैं प्रगतिशील लेखक संघ से लखनऊ में, तो कहते हैं इस सौंदर्य की कसौटी को बदल दो। ये सौंदर्य की कसौटी पुरानी किसी काम की नहीं है, ये रचनात्मकता के लिए कहते हैं। सृजनात्मकता के क्षितिज को और व्यापक बनाओ और धारदार बनाओ और उदात्त बनाओ, इसके लिए आपको अपनी शिथिल समाधि से आपको ऊपर उठाना होगा, दूर करना होगा। शिथिल समाधि का मतलब सीधा सीधा है कि आपको तपोमय जीवन व्यतीत करना होगा। बिना तपोमय जीवन व्यतीत करके कष्ट का जीवन व्यतीत करके आप अंदाजा लगाइए तुलसीदास भी कष्ट में रहे, लेकिन कभी कितने कष्ट में रहे होंगे अपने जमाने में, आप अंदाजा लगाइए कितनी उपेक्षा उनकी होगी बनारस। जो आदमी मरने के लिए अंत में मगर चला गया, ये अपमान हुआ, अपमान के बिना वो मगर नहीं जाते। तो ये जो सारी जीवन की प्रक्रिया है, वो जीवन की प्रक्रिया ही हमको सृजनात्मकता के बारे में ये तय करा देती है कि हम क्या सृजन करना चाहते हैं, हम कैसे लोगों को लाना चाहते हैं अपनी कहानियों में। रांगे राघव ने जो गदल कहानी लिखी, तो आप अंदाजा लगाइए गदल जैसा तो उनका जिंदगी नहीं थी। वो तो तमिल ब्राह्मण थे और एक पंडित थे, पुजारी के बेटे थे, जो राजा का मंदिर था सीताराम का बैर में। लेकिन उन्होंने पूरा जीवन आप रांगे राघव का देख लीजिए, पूरी जिंदगी उन्होंने जैसे पूरी जिंदगी में शिथिल समाधि की प्रक्रिया से जूझने के लिए सारी अपनी जिंदगी को बदल दी। कभी ये कोशिश नहीं की, कई बार सेंट जॉन्स कॉलेज में उनको ऑफर आया, उन लोगों ने कहा कि आप लेक्चर हो जाइए और अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारिए, नहीं फिर मैं अच्छा साहित्यकार नहीं होगा, अच्छा रचनाकार नहीं होगा, इसलिए आपके लिए फ्रीलांसिंग की और जिंदगी में तनाव में रहे बहुत ज्यादा। लेकिन लगातार रचनात्मकता के लिए वो आदमी जैसे तपस्या करता है, बदल बदल जैसी चरित्र को ले आए और ब्रजभाषा इलाके का नहीं हुआ आदमी, लेकिन ब्रजभाषा का प्रयोग अब तक पुकारों में और बदल में जिस तरह से उन्होंने किया है, उससे लगता है कई बार कि ये कितना सृजनात्मक आदमी है भीतर से। इसकी कल्पना शक्ति ही नहीं है, कल्पना शक्ति तो है ही, और उनके पास इतिहास सृष्टि जो है वो उनकी सृजनात्मकता को किस तरह से समृद्ध करती है। और उन्होंने गदल जैसी कहानी एक ऐतिहासिक कहानी लिखी और हिंदी को एक अमर कहानी दी। और मैंने देखा कईयों ने रोहनिया अखबार में उस पर टिप्पणियां लिखी है, वो तो कह रहा है लोहड़े गुजर, वो लोहड़े गुजरों में चली गई, खाली गुजर वाली थी गदल। हमारे गुजरों में दो तरह के गुजर हैं, एक वो गुजर है जो अपने को ऊंचा समझते हैं वो खाली गुजर कहलाते हैं, दूसरे गुजर अपने को लोहरे गुजर कहते हैं। और मान जाति 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 की जो जटिल संरचना है हिंदुस्तान के समाज की, जाति जाति बाद में जातिवाद के बारे में हम कहते हैं कि बड़ा क्रूर सत्य इसके पीछे है हमारे जातिवाद के पीछे। मैं एक बार हमारे साथी पीपी पाटिल में डिपार्टमेंट में थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वो मैं और वो छोड़िया कॉलेज में साथ रहे, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए उससे कहा कि वहां कॉलेज में पहाड़ी ब्राह्मण है, उन्होंने कहा आपके यहाँ एक पांडे जी हैं उनसे बात करना, उनका लड़का है, लड़की के बारे में बात करना।
वो पोस्ट में पढ़ाते थे। मैंने कहा मैं करता हूँ बात, मैं उनके घर गया। मैं जाति के बारे में कह रहा हूँ, पर चरम सिंह पति तो जानते हैं लोहरे तुम्हारी क्या होता, और कई आलोचकों ने लोहरे पद ने लोहार बना दिया या पता नहीं क्या बना दिया बिना बिना समझ के। क्रिएशन जो होता है वो क्रिएशन वास्तविकता तक पहुंचने के लिए भी होता है। कई बार जिंदगी में जो हम ऊपरी आवरण है उससे हम गहराई तक जाते हैं, जैसे उसने धारणा में बोले दी गए। बोले दीजिए तो पहाड़ी ब्राह्मण थे, लेकिन अमृतसर का आप देखिए कैसा वातावरण है। तो क्रिएशन जो करना है, क्रिएट जो करना है, इसके पीछे अपने अनुभव संसार को लगातार समृद्ध करना। और कैसे समृद्ध करना, ये नहीं जो देख लिया वो आ गया अनुभव, बल्कि उसके मार्फत सुंदरता को कैसे सृजित कर दे। गदर जैसी गुजरी जो बिना पढ़ी लिखी है वो किस तरह से मर्यादा को तोड़ती है, उस जमाने में मर्यादा तोड़ती है। उसने खाई गुजर की महिला है, लेकिन लोहरे गुजर की जगह बैठ गई, जो मोनी है लोहरे गुजर में आता है। मैं कह रहा था जब मैं पांडे जी के पास गया, मैंने भाई ऐसे ऐसे हमारे मित्र हैं, उनकी बेटी है और आपका लड़का है और वो बहुत सुंदर है लड़की और लेक्चर है कॉलेज में, तो उनका वो कौन सी ब्राह्मण है, ऊंची धोती वाले या नीची धोती वाले। उसे सीधा सवाल ये पूछा और ये मेरे लिए बड़ा विकट मामला है। जानती हूँ मैं ये समझता था बोर्ड सनाटियों में नहीं करते, सनाट के बोर्ड में नहीं करते और सभी पाले उसमें नहीं करते, कानून उसमें नहीं करते। अरे जातिवाद है, तमाशा है, कितना जबरदस्त अंदर की जटिलता है। तो गदर जैसी कहानी में मैं ये कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों की तलाश करना, जिंदगी के उन चीजों की तलाश करना जहां रचनात्मकता भी है और नवीनता भी, उसके बिना वो संभव नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आचार्य जी ने बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से विषय का एक तरह से परिवर्तन किया और यहाँ बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके बारे में मैं कुछ सोच पाया जब वो अपना वक्त दे रहे थे। एक बात और है, साहित्य इतनी बड़ी कला है, वैसे तो सारी पांचों कलाएं, पांचों जो ललित कलाएं हैं वो पांचों ही सृजनात्मक है और सृजनात्मकता का क्षितिज हरे के पास बहुत बड़ा क्षितिज है, लेकिन साहित्य एकमात्र ऐसा है जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी होती है, जो सबसे ज्यादा बदलने की भूमिका निभाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि व्याख्याएं करने का मतलब नहीं है हमारा मतलब, व्याख्या तो बहुत लोग कर रहे हैं, वो तो मशहूर बात कहते हैं, व्याख्या करने वाले तो बहुत हैं, जगह जगह व्याख्याएं करते हैं। तुलसीदास ने ये लिखा, कबीर ने ये लिखा, फलाने फलाने लिखा, इस कविता का ये अर्थ है, इससे कुछ नहीं होता है। परिवर्तन कैसे हो, बदलाव कैसे हो, तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे बड़ी भूमिका साहित्य की होती है परिवर्तन। इसलिए दुनिया में साहित्य पर इतना बल दिया जाता है और साहित्य वो कला है सृजनात्मक, पांचों कलाओं से बनता है। चित्रकला के साथ रहता ही रहता है, बिंब विधायनी होती है भाषा। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साहित्यकार की जो भाषा है वो बिंब विधायनी होती है, बिंबवाहक होती है, चित्रकार जैसी भाषा होती है। ये अलग बात है, उनसे पूरी तरह सहमति हो आपकी ना हो, तो चित्रकला आ गई। और जब नाथ सौंदर्य की आप बात करते हैं, तुलसीदास की भाषा क्यों प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा क्यों करती है, वो बड़ी नादात्मक है और उस नादात्मकता ने तुलसीदास की भाषा को बहुत नाटकीय बना दिया है। इसलिए नाटकीय बनने की वजह से वो ज्यादा रचनात्मक हो गई। नाटक भी आ गया, संगीत भी आ गया, कालिदास तुलसीदास की रामलीलाएं जब होती है, तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर, तो वहां संगीत समारोह भी होता है। रामचरितमानस की चौपाइयों को केवल चौपाई की तरह नहीं पढ़ाया जाता, प्रसंगों के अनुसार उनको स्वर प्रदान करता है। जो व्यासगति पर बैठा रहता है रामलीला में, जैसा अकर्म ने करुणा का प्रसंग आता है तो वो रुला देता है, जब वो चौपाई देता है तो लोग रोने लगते हैं, चौपाई सुनते ही रोने लगते हैं। नौ के नौ रस वो पैदा करता है, नौ के नौ रस पैदा कर देता है संगीत के माध्यम। तो संगीत भी, चित्र भी और मूर्तिकला को
जहां बिंब आता है, आप देख लीजिए कामायनी में कैसी मूर्ति बनाई है प्रसाद जी ने, मनु की, श्रद्धा की, अवयव की, दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस था वीर अपार, ये मूर्ति बनाना यहां इमेजरी नहीं है, यहां बिंब नहीं है मनु का, यहां मनु की मूर्ति है। जब आप ऐसे मांसपेशियों की उसको दिखाते हैं, जो कालिदास में है, ये सब कालिदास भी ऐसे ही मूर्ति बनाते हैं। और भाषा में मैंने भारद्वाजी का एक बार एक निबंध पढ़ा, कविता का स्थापत्य, दो चपराए स्थापत्य पर, या तो रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला की सही साधना में, निराला की कविता के स्थापत्य पर बात करना। देखिए स्थापत्य के बिना भी रचनात्मकता की सफलता नहीं आ पाती। हमारे यहां जो मुक्त छंद की कविता की शिकायत की जाती है, उसमें जो लय नहीं है वो इसलिए नहीं है कि जो कवि है वो स्थापत्य पर काम ही नहीं करता, शब्द को कहां से कहां बिठाना है, शब्द की अपनी एक जगह हो। दोहा देखिए आप, तेरह मात्राएं पहले चरण में लाइए, लेकिन तेरह मात्राओं का एक क्रम होगा तब लय पैदा होगी, केवल तेरह मात्रा आने से नहीं होगा। कि आप तेरह मात्रा भी आए शब्दों में तो आपने लय पैदा कर दी, लय पैदा नहीं होगी, शब्दों के क्रम को बिठाना पड़ता है। जैसे राम की सती पूजा में निराला बिठा, शब्दों का अगर क्रम नहीं बैठता वहां तो राम की सती पूजा का कोई असर नहीं है, वो सारा स्थापत्य है उनका। तो भारत के नव का प्रभाव, शीतल अच्छा है, सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित आर्य तमस्तूर्य दिग्मंडल उठे आसन पर सिरस्तान शासन करते हैं मुसलमान, ये स्थापत्य की वजह से हुआ। ये शब्दों को कहां बिठाना है उस पर मेहनत की है, और यही कालिदास में सर्वसिद्धम शैलेन मलिनम भीमांसो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति यम अधिगम लोक्या वलकले नाम तनमे किम भी मधुरा नाम मंडनम नाम तीना। सपुतला को देखा दुष्यंत ने, तो आप अंदाजा लगाइए सामासिक भाषा को इतनी नारात्मक बना देना, इतना नाग सौंदर्य पैदा कर देना, इतनी प्रभयमान बना देना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सृजनात्मकता का क्षितिज केवल दार्शनिक और ऐतिहासिक नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन भाषा उसकी सबसे बड़ा सबूत पैदा देती है। भाषा से, किसी भी कवि की भाषा से, किसी भी कहानीकार की भाषा से, प्रेमचंद में क्यों है, प्रेमचंद की इतनी कम्युनिकेबिलिटी उसमें क्यों है, क्योंकि वो जिंदगी से जुड़े हुए सारे मुहावरे कहावत उठाते हैं जिनसे उनकी भाषा इतनी बिंबात्मक, इतनी ध्वन्यात्मक, इतनी नादात्मक, इतनी सहज बन जाती है कि जब पढ़ते हैं तो सहज रूप से उसको पढ़ते चले जाते हैं। तो ये दरअसल सृजनात्मकता के चीजों पर हम बात करते हैं तो हम रूप विधान पर बहुत कम बल देते हैं, और ये मार्क्सवादी आलोचकों की बड़ी भारी विडंबना है, कमी है कि उन्होंने रूप को रूपवाद बना दिया। अरे रूप के बिना तो मैं समझता हूं रूप तो प्रवेश द्वार है साहित्य सृजनात्मकता का, अगर आपने रूप पर मेहनत नहीं की है तो आपकी कविता का प्रभाव नहीं है, केवल कंटेंट से नहीं होता है। एक ऐसा जमाना आया जब अंतर वस्तु आ गई, सब बस ये हो गया, ऐसे नहीं होता। साहित्य कला है, कला साहित्य में रूप विधान उसका होता है, और वो रूप विधान चीजों को सृजनात्मक बनाता है। तो ये दरअसल इस पक्ष पर भी हमें गहराई से विचार करना चाहिए। बिहारी के दोहों से हमारी कंटेंट से असहमति हो सकती है कि वो दरबारी कंटेंट है, लेकिन जब रीतिकाल की कविता को आप पढ़ते हैं तो लगता है कि कितनी मेहनत की है, रूप विधान पर इन लोगों ने कितनी मेहनत की। ब्रजभाषा का ऐसा लगता है कि जैसे ब्रजभाषा का सारा उत्कर्ष ही नहीं आया है सूरदास के, सूरदास का दूसरे तरह का उत्कर्ष है और रीतिकाल के पक्षों में दूसरे तरह का उत्कर्ष। बड़ी भाषा पर मेहनत की उन्होंने, ये हम कह सकते हैं कि नहीं उनका दरबारी पर उन्होंने था, लेकिन कला बहुत बेजोड़ है, और वो भी इसलिए ऐतिहासिक तौर पर जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मैं समझता हूं
उन्हें कौन बीमो लगाए झरने आती है अंदर जा बुराई आखिर में अनसान चितौन में मंद विरासत की सरसाई और को बिन मोल विकार नहीं बदनाम लहर मुस्कान मिठाई और जो जो निहारिए डेरे वे नैनन क्यों जो खरी दिख रहे से निकाई ऐसा लगता है जैसे तालाब पर जब काई पड़ी हुई होगी तो बदनाम ने उस तालाब पर काई को देखा हो और काई को जैसे तालाब पर जब हम उतरते हैं तो काई को पहले हटाते हैं तब स्नान करते हैं तो काई को जब हटाते हैं तो जब वो पानी के अंदर निर्मल निकलता है तो जो जो निहारिए मेरे वे नैनन क्यों जो खरी दिख रहे से निकाई ये भी सृजनात्मकता का ये भी सृजनात्मकता का एक क्षेत्र है और इस पर जब हम मेहनत करते हैं तो मैं समझता हूं पाठक पर असर हुए बिना नहीं रहता फिर वो होता ही टूटे सर का भीतरा खाते ऊपर घास और बारी जे फट झोपड़ा अद्भुतियां आवा अब नजर लगे कि सुन रहे सुन वीर संजय में ये केवल केवल मुहावरेदार भाषा नहीं है बड़ी सृजनात्मक भाषा बड़ी क्रिएटिव भाषा उन्होंने पूरी वीर संजय में वो है हम केवल उसके वीरता के बखान को ये कह देते हैं और उसका जो कला पक्ष है साहित्य का जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है तो मैं समझता हूं उस सृजनात्मकता के क्षेत्र पर जब हम विचार करते हैं तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए क्योंकि ये मुख छंद की कविता में बड़ी कमी है मुख छंद के प्रति जो एक आक्रोश सा लोगों में दिखाई देता है मुक्तिबोध में नहीं है मुक्तिबोध की लंबी कविताओं को आप पढ़ जाएंगे और उनके साथ दिक्कत यह हुई कि उनकी जो बाद की कविताएं हैं वो तो चांद का मुंगेढ़ा में आ गई और शुरुआत की कविताएं हैं वो भूरी भूरी खानपुर में बाद में प्रकाशित हुई जब उनको महत्व मिल गया श्रीकांत वर्मा ने जो पहला चांद का मुंगेढ़ा किया तो हुआ ये कि जब वो फिलोसॉफिकली चीजों को देखने लगे पहले वो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली नहीं देख रहे थे पहले सहन भाव से जिंदगी के बारे में देख रहे थे तब उज्जैन में जो शिप्रा नदी है उसकी उन्होंने लंबी कविता लिखी बहुत सी चीजें ऐसी लिखी बड़ी सरल कविताएं उन्होंने लिखी लेकिन दुर्बोध कभी विकसित हो गए तुम्हारे पास हमारे पास ईमान का डंडा है अभय की गेंदी है हृदय की सगाई है बनाने को नए नए भवन आत्मा के मनुष्य के ये बहुत सुंदर कविता है लेकिन शब्दों का चयन और शब्दों का स्थापन बड़ा जबरदस्त है जो मारे मारे से ईंट के सिरहाने अकेले बैठते हैं मेरी पटरी उनसे बैठती है ये गद्य के वाक्य हैं लेकिन समय ने है समय प्रवाह है समय स्थापत्य है समय नाच सुंदर है तो ये सृजनात्मकता का जो पक्ष हमसे बाधा छूट जाता है साहित्य में वो मैं समझता हूं हम यहां आए हैं हम लोग तो बदनाम है हम रूपवाद और रूपवाद रूपवाद चलाते हैं जबकि अंतर वस्तु और रूप का जो गहरा रिश्ता है वो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है और ये नहीं तो क्या होता है नहीं तो कविता उत्पादन बन के रह जाती है सृजन नहीं होती कविता व्यक्ति में जैसे प्रोडक्शन होता है ऐसे ही एक रूप प्रोडक्शन होता है जहां से खिलौना एक तरह का निकल रहा है तो एक ही तरह के लाखों करोड़ों खिलौने निकलते चले जाते उत्पादन मुख छंद ने यह सरलता पैदा की ये आसान बना दिया नुस्खा कि उत्पादन होने लगा कविता हमने वर्कशॉप में सेमिनार्स में रूप विधान क्या होता है रूप कैसे होता है पूरी कविता देख ली थी अगर कालिदास ने उसमें कालिदास की जो छोड़िए बात तुलसीदास का अगर रूप विधान नहीं होता तो तुलसीदास की कविता दो बड़ी की कविता कोई नहीं पढ़ कोई नहीं अनुप्रास का मैं समझता हूं इतना समर्थ कवि है अनुप्रास अनुप्रास के स्थापत्य को लाने वाले तुलसीदास अगर नहीं आ गया एक बार तो फिर नहीं 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 और वो शब्द भी ऐसे आएंगे जैसे टकसाल में गढ़ के ला रहा तो केवल जब रामचरित मानस के पाठ होते हैं अखंड पाठ 24 घंटे में या 9 दिन में नवान पारायण होता है
तो उसके पीछे रिदम भी है, तुलसीदास का वो आनंद आता है लोगों को। कहानी को तो जानते हैं लोग, लेकिन उसका जो सार्थक है उसको बहुत ज्यादा लोग नहीं समझते, सार्थक को नहीं समझते। सार्थक तो उसका मूल्य परक है, जीवन मूल्य परक है। या फिर हम उस सवालों को उठा देते हैं वर्णाश्रम वालों को, वो भी है, इसलिए इतना विरोध भी है उसमें, और वर्णाश्रम व्यवस्था में उनका विश्वास है, वो निश्चित निस्संदेह बद्धकालीन जो बोध है उनमें है, लेकिन फिर भी वो इतना प्रचलित है। आप अंदाजा लगा क्यों है इतना प्रचलित, क्यों उसमें रूप के स्तर पर सृजनात्मकता बहुत जबरदस्त है उस कविता, वो लोगों के कानों को। एक बार विश्वनाथ उपाध्याय जी और मैं जब मैं पढ़ता था तब तिलक नगर में जयपुर में वो साथ साथ जा रहे थे हमारे टीचर थे, तो एक घर में रामचरित मानस का पाठ हो रहा था, बड़े सुंदर तरीके से पाठ कर रहा था, वह चौपाई को चौपाई की लय को इस तरह पढ़ रहा था कि उपाध्याय जी बताया सुनते छोड़ते बाहर खड़े हो गए सुनने लगे। ये जब पैदा हो जाता है तो कविता अमर हो जाती है। कंटेंट के हिसाब से हम तुलसीदास का विरोध कर सकते हैं, लेकिन रूप विधान की दृष्टि से उस आदमी ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, ऐसे नहीं लिखा जाता। बाहर कंटेंट पर आप विरोध करिए, लेकिन उसकी जो कला है वो सृजनात्मकता के क्षेत्र की दृष्टि से बहुत आगे ले जाती है। अन्यथा आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसा कवि जो संस्कृत के वाक्यों का अनुवाद पर अनुवाद करके चला चला जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम्, ये गीता से ले लिया, जब जब हो धर्म की हानि पाढ़ी असुर धर्म अभिमानी तब तब धर्म मोहन शरीर, ये अनुवाद है पूरा गीता का, लेकिन लगता है कुछ दास है, कोई कह तो कहता है कि अनुवाद है वहां से, क्यों, क्योंकि इसमें उन्होंने उस भाषा को नई भाषा क्रिएट कर दी, रूपक में जैसे उपमा में कालिदास ऐसे तुलसीदास रूपकों में साम रूपकों में बहुत बड़ा रूपक बनाना, रूपकों का सृजन करना। जब तक आपकी जिंदगी में गहरी पैठ नहीं आप रूपकों का सृजन नहीं कर सकते। जीवन को आप बहुत गहराई से समझते हैं तभी आप पूरे रूपक का निर्वाह कर सकते हैं, नहीं होते होते एक एक रूपक तो आ जाएगा, साम रूपक नहीं आएगा। तुलसीदास ने सामूहिकों को भी बर्बाद कर दिया। तो मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं कि जब सृजनात्मकता पर हम विचार करते हैं तो थोड़ी बहुत सृजनात्मक भूमिका तो हर कला की होती है, हमारा उद्देश्य यही ये है कि उसको और कैसे सृजनात्मक ज्यादा बनाए, उसमें गहनता कैसे पैदा करें, उसमें उदारता पैदा कैसे करें, उसमें व्यापकता पैदा कैसे करें, उसमें सहजता पैदा कैसे। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़िए तो उनका जो उनकी सृजनात्मकता है वाल्मीकि भाषा की सहजता है, सरलता है, जब आप पढ़ेंगे अनुस्तुप जैसे छोटे से छंद में तो ऐसा लगता है जैसे भाषा बह रही है ये आदमी। और क्यों, उनके जमाने में तो कोई इस तरह की बात आई नहीं थी, उत्पादन के व्यवस्थे थे वो सहज थे, और वो तो ये कहते हैं कि राहुल जी तो बोल रहा से गंगा में कि ये उस मित्र के जमाने का कवि, वाल्मीकि उस मित्र के दरबार का कवि, उस मित्र वो जिसने अंतिम मौर्य राजा का वध किया, उनका सेनापति था ब्राह्मण था, तो उस मित्र के दरबार के कवि हैं। और ये बदल कहते हैं कि ये जो राम है ये राम स्वयं उस मित्र है, और ये बतलाते हैं कि राजधानी जब वो उस मित्र सुमने राज जब ये देखा मगध में तेरे विरोधी हो गए हैं तो पाटलिपुत्र से वो राजधानी को अयोध्या ले आया, उससे पहले वो कहते हैं अयोध्या राजधानी नहीं थी, अयोध्या का कोई महत्व नहीं था, साकेत कह देते उस जगह अयोध्या। बाद में उन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया, कौशलपुर की राजधानी अयोध्या को अपना राजधानी बनाया, और इधर उज्जैन को अवंती की जो राजधानी थी उसको राजधानी बनाया, वहां से बचने के लिए। तो
मेरा मतलब कहने का ये है कि वो कालचार वो बात भी भाषा की शुरुआत करते हैं संस्कृत में, तो वहां इतने सहज तरीके से चीजों को लाते हैं। कालिदास को जब पढ़ते हैं तो उनकी जो सामासिक भाषा है वहां तो बहुत मजाक पैदा हो जाता है। कई बार लगता है कि समास को इतना जटिल बना दिया है कालिदास ने, लेकिन उनका जो सृजन पक्ष है वाणी का, दशरथ मृत्यु आसन्न मृत्यु का समय है उनका, लगभग मृत्यु होने वाली, कौशल्या सामने बैठी हुई है, कौशल्या कहते हैं अयोध्या खंड, एक दृष्टांत देते हैं कैसे बीच बीच में क्रिएट करते हैं चीजों को, कथा कह रहे हैं, कथा तो तुलसीदास ने भी कही है, लेकिन तुलसीदास को वहां नहीं है, वहां क्रिएशन नहीं है, वाणी क्रिएट करते हैं। कौशल्या से कहते हैं कश्चित आम्रपान छिद्वा कलासान से चिंतकी ससोचेत फल मेलाया पुष्पम दृष्टा फले विप्रु ससोचेत फला। हे कौशल्य, मैंने आम वन को काटकर पलासों को बोया है, आम वन वनम छित्वा पलासान निशन जल्दी, मैंने पलास को दिए हैं, मैं किस लिए, ये देख लिया कि पलास में फूल बहुत अच्छा आ रहा है, फूलों के प्रति मैं आकर्षित हो गया, मैंने फल की चिंता ही नहीं, फल की चिंता अगर मैं करता तो मैं श्रवण कुमार तो नहीं। तो पश्चिम आम वनम छित्वा, जैसे कोई आम के वनों को काटकर पलास बो दे, ऐसा मैंने काम किया। पुष्पम दृष्टा फले विग्रु ससोचति फलाभवे, जो फूलों को देखकर फलों की कल्पना नहीं कर पाता जो व्यक्ति, वह जब फलागम होता है जब सोच में पड़ जाता है, पलास में फूल को पलास का जो फल है वो बहुत काम का नहीं होता, आम का फल ही काम का होता है। तो पुष्पम दृष्टा फले विग्रु ससोचति फला, अभी क्या है, कलम जो ही कर्मम त्रिवान भावता ससोचित फल में लाया यथा किंचित सेवित। आप अंदाजे लगाइए पलास किंसु, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, दूसरी जगह वाल्मीकि पलास नहीं लाए, किंसु लाए, कहीं भाग लाए, वो प्रसंग के अनुसार। अभी क्या है, फलम ये भी कर्मं त्वेवान भावतः, जो फल की चिंता ना करके केवल कर्म करता रहता है जिंदगी भर, क्या कर्म करते रहे, फल की चिंता नहीं की कि ट्रेड यूनियन हम बना रहे हैं, कहीं ऐसा अगर ट्रेड यूनियन अखबार में फंस जाए, इनका पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो इनकी नहीं हो पा रही है, पॉलिटिकल नहीं हो रहे, ये वोट भाजपा को देते हैं और तनख्वाहें हमारे साथ रहकर बढ़ पाते, यहां तक पहुंचता है ये वाल्मीकि का श्लोक। अभी क्या है, फलम यो हि कर्मं त्वेवान भावता, जो फल की चिंता न करके केवल कर्म करते हैं जो लोग, मैंने भी कभी फल की चिंता नहीं की कौशल्या, मैंने केवल कर्म किया, जो फल इस कर्म से फल क्या मिलेगा इस पर जो ध्यान नहीं देते, ससोचे फल में लाया यथा किंसुक सेचन, जैसे पलास को सिंचित करने वाला, पलास को सींचने वाला, अंत में जब पलास का फल आता है तो सोच में पड़ जाता है कि मैंने क्या किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वाल्मीकि जो हमारे शुरू के कवि, आप पढ़कर देखिए भाषा का बचाव कैसा हो। इसलिए मित्रों, सृजनात्मकता का जो सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके विभिन्न पहलुओं पर, इसके विभिन्न डायमेंशंस पर, इसके विभिन्न आयामों पर हमको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अजय प्रसाद त्रिवेदी जी का मैं उदाहरण देता हूं, कालिदास की लालित योजना की बड़ी मशहूर किताब है। सृजनात्मकता को समझना है, सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मकता को त्रिवेदी जी ने लालित कहा, ललित रचना, आप लालित्य पैदा कर रहे हैं सृजनात्मकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने कालिदास को माना, कालिदास की कविता को माना, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि कविता का जो स्वभाव है वो अप्रयोजनीय है, उसके बहुत बड़े प्रयोजन नहीं होते। इसका मतलब यदि प्रयोजन नहीं होता है, कविता अपने स्वभाव में अप्रयोजनीय होती है, लेकिन गद्य हमेशा प्रयोजनीय होता है। गद्य आपको दुनिया के
माया है या कहीं भी करते हैं तो दर्द का प्रयोग करते हैं। सारे छल छंद जितने भी दुनिया के हैं उनमें हम दर्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए दर्द प्रयोजनीय होता है और पद्य कविता अप्रयोजनीय होता है। आप हो सकता है अपने मत हो, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल हैं, सूक्ष्म सवाल हैं जो क्रिएटिविटी पर विचार करते हुए हमारे मुंह में पैदा होते हैं। और दूसरी जो बात मूल्य की उठाई थी आचार्य जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सृजनात्मकता में जीवन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन जीवन मूल्य तभी पैदा होते हैं जबकि आपकी जिंदगी में वो मूल्य पैदा हो। जिनकी जिंदगी में वो मूल्य नहीं है वो कविता में कैसे क्रिएट करेंगे। कबीर ने तब उन मूल्यों को क्रिएट किया या मीरा ने तब उन मूल्यों को क्रिएट किया अपनी कविता में जब पहले अपनी जिंदगी में क्रिएट कर अपनी जिंदगी से कविता के मूल्य बनाए। उन्होंने हम क्या करते हैं कविता के मूल्य तो क्रिएट कर देते हैं लेकिन जिंदगी वैसी की वैसी है। इसलिए जो पाठक है वो न केवल कविता पढ़ता है बल्कि लेखक की जिंदगी को भी पढ़ता है। महात्मा गांधी के कार्यों को नहीं पढ़ते केवल, महात्मा गांधी की जिंदगी को भी पढ़ते। महात्मा गांधी की जिंदगी का जीवन का संदेश है, बहुत बड़ी बात है। यानी मेरी जिंदगी को पढ़ो, मेरी जिंदगी में रचनात्मकता है, कामों में नहीं। कामों में हो सकता है कुछ गलती आप निकाल दें। आप हिंद स्वराज में ये कह सकते हैं कि ये क्या बात करते हैं सब, वकीलों की निंदा करते हैं, वकील बहुत बदमाश होता है, डॉक्टर बहुत खराब होते हैं। एक पूरा चैप्टर डॉक्टरों पर है उसमें, उन्होंने उसके संदर्भ दूसरे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस समय अंग्रेज डॉक्टर हुआ करते थे, हालांकि हमारे आज के डॉक्टर भी अंग्रेज डॉक्टरों से कम नहीं है, ये भी अंग्रेज डॉक्टर ही है, उसी लीगेसी का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे तो वकील कर रहे हैं, ऐसे ही डॉक्टर कर रहे हैं। 1902 की किताब आज भी उसके ये प्रसंग प्रासंगिक थे। वकील और डॉक्टर विरोध कर सकते हैं लेकिन गांधी जी ने अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बनाया। पढ़े लिखे तो जवाहरलाल नेहरू ज्यादा थे, गांधी जी ज्यादा पढ़ने लिखने का हुआ, लेकिन गांधी की जिंदगी में जितनी रचनात्मकता है मैं समझता हूं शायद पिछली शताब्दी में पूरी दुनिया में उतनी रचनात्मकता है। इसी रचनात्मक दृष्टि से विद्वान तो बहुत होंगे, गुणवान तो बहुत होंगे, फिलोसोफर भी बहुत होंगे, लेकिन जिंदगी को रचनात्मक बना देना और उनकी जिंदगी की रचनात्मकता उनके कार्यों में भी आ जाती है, दोनों की हम तुलना करने लगते हैं, किसी को महात्मा कह देना कोई सामान्य बात है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा आदमी कह दे या सुभाष बोस जैसा कह दे, हमने नहीं कहा उनको महात्मा, उन बड़े लोगों ने कहा जो लगभग महात्मा के बराबर थे। ये संदेश यह है, महात्मा गांधी की किताब तो दुनिया भर में लिख देंगे लेकिन थोड़ी सी भी अपनी जिंदगी में परिवर्तन नहीं करेंगे, थोड़ा सा। जैसे भगत सिंह के बारे में खूब उसकी बड़ाई कर देंगे, अरे बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा ये और अपनी बेईमानी को दूसरा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कई बार लगता है कि रचनाशीलता है, रचनात्मकता है, सृजनात्मकता किस चीज के लिए है, आखिर किससे क्या कहना चाहते हैं, किसी को कैसे बदलना चाहते हैं। अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भी नहीं है, ये तो नहीं है कि हम महात्मा गांधी हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के थोड़ा बहुत तो बातों को, थोड़ी बहुत तो उस रास्ते पर चल सकते हैं, थोड़ी बहुत तो सादगी बरत सकते हैं जिंदगी में। हम ज्यादा कपड़े ही इकट्ठे न करें घरों में, हम ज्यादा वस्तुएं ही इकट्ठी न करें, हम घरों में तामझाम पैदा न करें। कुछ नहीं है ग्रंथ में मोटी हम गांधी की नगर, वो तो बहुत बड़ा आदमी था, वो तो सही आइंस्टीन ने कहा दुनिया ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा भी कोई दुनिया में हुआ, आइंस्टीन सही कहा। मैं दर्शक गदगद हो गया जब अपनी बेटी के पास 2001 में अमेरिका जब वो गई थी, मैं वहां गया और मैनहट्टन चौक पर जो उसको देखने गए थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, तो वहां जहाज में बैठे हुए थे पाकिस्तान में लोग, पीछे नहीं था, तो मैंने देखा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है,
नीचे लिखा हुआ था थिंक डिफरेंट। सर मंडेला का फोटो था, उन्होंने महात्मा गांधी का फोटो, थिंक डिफरेंट। ये दुनिया के वो लोग थे जो अलग तरह से सोचते थे। तो गांधी की बात करें और अलग तरह से सोचने की कोशिश करें, तब मैं समझता हूं हमारी कविता भी, हमारी कहानियां भी, हमारे निबंध भी, हमारे नाटक भी इतने क्रिएटिव हो जाएंगे। और ये गोष्ठी, ये संगमन का ये सत्र बहुत सार्थक हो जाएगा। संगमन से हम लेकर जाएंगे कुछ। तो ये अब इसके साथ क्या होता है, मूल्यों को कई बार हम इसलिए कहना चाहता हूं भावात्मक स्तर पर लेते हैं, कई बार हम वस्तुगत स्तर पर लेते हैं। जिंदगी के जो मूल्य हैं, अगर आपने केवल भावात्मक स्तर पर लिए केवल, तो फिर वो एक कथा होकर रह जाएगी। भाव तो पैदा कर देता कथावाचक भी, कोई कथावाचक से आप सुन लीजिए कैसे भाव पैदा कर देता, भाव विपल बना देता, लोग रोने लगते हैं कथाएं सुन सुन करके, नाचने लगते हैं, लेकिन उनका कोई वस्तुगत आधार नहीं। वस्तुगत आधार बहुत कम होता है, इसलिए ये जो जमाना है, जिस समय में हम रह रहे हैं, ये समय वस्तुगत ढंग से सोचने का भी है और अपनी आत्मसमृद्धि का भी। आप वस्तुगत ढंग से सोचकर वस्तुगत प्रमाणों से आप आत्मसमृद्धि अपनी करते हैं, तो मैं समझता हूं आत्मसमृद्धि का मतलब है आपकी सृजनात्मकता का समृद्धि। वस्तु और आत्म दोनों के द्वंद्वात्मक रिश्ते से जो एक नया रास्ता मिलता है, वो उस संस्कृति को पैदा करता है जिस संस्कृति को गोर्की ने प्रकृति के समानांतर द्वितीय प्रकृति कहा। एक तो प्रकृति ने इस दुनिया में रचना की है और दूसरे मनुष्य ने उसके समानांतर ये संस्कृति की रचना की। धरती पर दो ही चीजें हैं, एक प्रकृति है और प्रकृति के समानांतर उससे सहयोग लेकर जिस संस्कृति का निर्माण किया है मनुष्य ने, उसको गोर्की द्वितीय प्रकृति कहते हैं। ये संस्कृति द्वितीय प्रकृति है, उस प्रकृति को बनाए रखना, उस प्रकृति को लगातार सुदृढ़ करते रहना। मैं समझता हूं जो संस्कृति वाली बात आचार्य ने यहां उठाई है वो अच्छी तरह से उस सांस्कृतिक रचनात्मकता को हम समृद्ध करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आया है।